मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का सप्तम सत्र सोमवार से शुरू होगा। 21 सितंबर से शुरू होने वाले सत्र की तैयारियों के संबंध में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने अवलोकन किया तथा अधिकारियों को कोविड-19 के मद्देनजर समुचित व्यवस्था हेतु निर्देश दिए। प्रोटेम स्पीकर शर्मा के साथ कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर गोविंद सिंह तथा विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह भी उपस्थित रहे। प्रोटेम स्पीकर शर्मा ने बताया कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण को देखते हुए इस बार विधानसभा के सदस्य वर्चुअल माध्यम से अपने जिले के NIC सेंटर द्वारा भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। हर जिले में इस हेतु NIC कार्यालय में व्यवस्था की गई है। कल मध्य प्रदेश की विधानसभा का एक दिवसीय सत्र आहूत किया गया है। सर्वदलीय बैठक में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी की उपस्थिति में जो बैठक में नीतिगत तय हुआ था कि कोरोना के संक्रमण और महामारी को ध्यान में रखते हुए एक दिन का लघु सत्र और छोटा कम से कम समय का सत्र आयोजित किया गया जाए, इसमें दोनों दलों की सहमति से सदस्यों के नाम भी तय हुए थे कि वही सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे। शेष सदस्य जो है अपने अपने जिला मुख्यालय में वहां पर जो है वीडियो और उस पर लगाया गया है, तो उनको ऑनलाइन कार्रवाई में सम्मिलित किया जा सकता है। इस संदर्भ में आज कांग्रेस विधायक दल के सचेतक वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री गोविंद सिंह जी के साथ विधानसभा सभागृह का पूरे का राउंड लिया गया, जहां कल की बैठक के व्यवस्था के बारे में सारी चर्चा की गई और पूछा भी गया कि कहीं कोई इसमें कमी बेसी हो तो आप बताइए, सुझाव दीजिए, उसमें कोई करना आवश्यक होगा वो करेंगे। उन्हें व्यवस्था से संतुष्टि व्यक्त की और आज इस संदर्भ में कल की बैठक की सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। हम सबको कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए नैतिक जवाबदारी के साथ सदन की कार्रवाई पूर्ण करना है।